डॉक्टर से बड़ी नर्स, सावधान, अगर आपको जाना है अस्पताल में कवरेज करने तो इन नर्स को दिखानी होगी परमिशन। CMHO बोले, कोई परमिशन नहीं बनती। खबर शिवपुरी के जिला अस्पताल से आ रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि यह पत्रकारों के लिए जरूरी खबर है। अगर किसी पत्रकार को जिला अस्पताल जाना है कवरेज करने तो पत्रकार साहब को परमिशन इन मैडम नर्स को दिखानी पड़ेगी। शायद इन्हें यह नहीं पता कि पत्रकार किसी की सूचना पर ही अस्पताल में जाता है और अपना काम अर्थात खबर बनाकर वापस आ जाता है। लेकिन ऐसा वाक्य आज देखने को मिला कि एक खबर पर पत्रकारों से मैडम नर्स बोलती हैं कि आपके पास ऐसे घूमने की परमिशन है क्या, आपको परमिशन लेनी चाहिए। अब इन मैडम नर्स के कहने के अनुसार या तो स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन जैन अब परमिशन देने की कृपा करें या पत्रकार जनहित के मुद्दों के लिए अस्पताल में कवरेज करना बंद कर दें। ये तो अब विभाग ही बताएगा कि पत्रकार करें तो क्या करें। वैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन जैन के अनुसार पत्रकार को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन नर्स मैडम को जरूरी है। अब नर्स मैडम ये बताएं कि परमिशन कहाँ से लाए, या तो आप खुद दे दीजिए या दिलवा दीजिए, या यह बता दीजिए किससे परमिशन लेनी है। यह है पूरा मामला। पत्रकार कवरेज के दौरान थर्ड फ्लोर मेडिसिन वार्ड में पहुंचे, जहां ड्यूटी दे रही मैडम नर्स से पूछा कि कैसे घूम रहे हो, तो पत्रकार बोले मीडिया से है, जिसके बाद मैडम को कार्ड भी दिखाया। फिर मैडम बोलती है कि परमिशन दिखाओ, तब पत्रकार बोले परमिशन नहीं होती हमारी, ना ही हमें आपके विभाग से लेनी पड़ती है। लेकिन मैडम तो परमिशन पर अड़ी रही और बोलती हैं ऐसा होता है क्या, कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा। अब इन मैडम को कौन समझाए कि कोई परमिशन इनके विभाग में घूमने की पत्रकारों को नहीं मिलती, लेकिन मैडम अपनी सुनने के अलावा किसी की सुनना ही नहीं चाहती थी। इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन जैन को बता दिया गया है। अब देखना होगा कि इन नर्स मैडम पर क्या कार्रवाई की जाती है। इनका कहना है कि हाँ, मुझे यह जानकारी मिली है, आपके ही साथी लोगों का मुझे कॉल आया है, मैं दिखवाता हूँ। नहीं, हमें परमिशन सभी जगह जाने की रहती है, किसी भी डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, हर चीज़ का पेपर लगता है ना, ठीक है, आप पेपर लेकर के आ जाना। पेपर कैसा चाहिए मैडम? कौन सा पेपर चाहिए मैडम? कार्ड चाहिए, छोटू भैया कार्ड देना। मैडम कार्ड, आप आ सकते हैं मैडम, जरा बाइट दे नहीं भैया। मैं बस ये कह रही हूँ, परमिशन अगर आपको रहती है तो ठीक है, परमिशन के भी तो पेपर्स होते हैं ना। जी, जी। आपको क्या दिक्कत है, हम आपसे कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कह रहे हैं। नहीं, हमारी किसी मरीज से हमने तंग किया या कोई प्रॉब्लम आपको, हम ठीक है तो भैया हर चीज की नहीं, हमने आपको फिर भी परमिशन की पूछ रही हूं। फिर भी मैंने आपको, अगर आपको परमिशन है लिखित में या कुछ है तो आप बताइए। हम तो डॉक्टर साहब से मिल के ही आते हैं, हमें कुछ शौक नहीं होता यहां पे, हम बड़ा टाइम खराब करेंगे। भैया देखिए, आपके ना आपको आईडी लगी हुई है क्या, आपकी ना कोई, नहीं हमने आपको बताया था, ना कोई आपकी यूनिफॉर्म बताई है। मैं तो बस आपसे पूछ रही हूं, ये यहां पे हमें घूम रहे हो हम, चलो ठीक है मरीज का अटेंडर है तो हमें तो समझ में आता है कि ये मरीज का अटेंडर है, ठीक है, आपकी ना आईडी है ना आपकी यूनिफॉर्म है ना कुछ है, तो हम तो यही बोलेंगे ना कि हम तो यही पूछेंगे, या फिर अगर आपके पास नहीं, हमने आपको बताया था, मैंने कि मीडिया से बात कर रही हूँ ना जी, आप मेरा बना रहे हो ना वीडियो, मैं बात कर रही हूँ जी, तो मैं तो बस यही पूछ रही हूँ कि अगर आपके पास कोई परमिशन है तो आप वो दिखाओ कि हाँ मैडम हमारे पास परमिशन है मेडिकल वार्ड में घूमने की, रिपोर्टिंग करने की, तो ठीक है आप घूमिए, रिपोर्ट बनाइए अपनी ना। आप देखिए, आप लोकल, आप सिविल यूनिफॉर्म पे आए हैं, आप भी नहीं, नहीं मीडिया ही कोई यूनिफॉर्म नहीं होती मैडम, पहली बार मीडिया ही कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, पर आईडी कार्ड तो होता है भैया, सामने लटकता रहता है, ठीक है भैया जी, वो बहुत अलग एरिया हुआ, वो तुम निकाल आ रहे हैं, तो आपको हमने बताया भी था मैडम मीडिया से, फिर भी आपका कहना मीडिया से, तो अंदर आओगे भैया, आपने बोला बस घूम रहे हैं, तो मैं भैया घूमने की तो परमिशन होती है ना। नहीं नहीं, मरीजों को देखना, व्यवस्था देखना भी हमारा काम रहता है।